तो बनवा दो ना शौचालय घर में भी। जिस आंगन में तुलसी लगाते हैं वहाँ शौच करना शुरू कर दें। की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक
प्राधानीकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मान ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस
आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनिता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी। फिल्म दर्शनीय वो
और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथी जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाब के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं।
अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि
का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मान ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की
आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो।
जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं जबकि केशव अभी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था।
फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी
अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की
आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जाया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो।
जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं जबकि केशव अभी सो रहा है लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाब के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था।
फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी
अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाब के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तालाब को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की
आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जाया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाब के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी।
साथीजा ने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती शौच के लिए खेत, और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को
मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो
संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तालाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है। मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है। दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था। सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी। फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है। तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर
पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाब के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मान ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं।
केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करें क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है।
इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पात्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है। दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था। सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी। फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो। क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं।
तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तालाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश की एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है, वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी
सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तलाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी।
केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है, लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है।
भारतीय समाज की इस बुराई को जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है। दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था। सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी। फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी। साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थाई समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय ही नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में घर की भीतर एक महत्वपूर्ण
आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तालाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मान ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपनी गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है, और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो, क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है, जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है, और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है, और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक
प्राधानीकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाक के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है, जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे, क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई, जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं के अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी, फिल्म दर्शनीय वो और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो। जाने क्या है अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की पूरी कहानी, साथ ही जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। उत्तर प्रदेश के एक भारतीय गांव नंदगांव में महिलाओं का एक समूह दिन की शुरुआती घंटों में नंदगांव के पास अपने गांव से दूर एक खेत में झाड़ियों में खुले में शौच करने जाते हैं। केशव को एक काली भैंस से शादी करनी है, क्योंकि उसके पिता पंडित बिमलनाथ शर्मा एक बहुत ही धार्मिक और अंधविश्वासी पुजारी है और उनका मानना है कि उनके बेटे की काली भैंस से शादी केशव का भाग्य को सुधारने में मदद करेगी। केशव एक पढ़ी लिखी कॉलेज जाने वाली लड़की जया से मिलता है, उसके प्यार में पड़ जाता है और आखिरकार उसे उससे शादी करने के लिए मना भी लेता है। हालांकि केशव के पिता का विचार है कि केशव की कुंडली ऐसे ही एक लड़की से शादी करने के लिए इजाजत देती है कि जिसके बाएं हाथ में दो अंगूठा हो।
क्योंकि जया इस आवश्यकता को पूरी नहीं करता है तो केशव एक कृत्रिम अंगूठा बनाया है और उसे जया को देता है कि उसे अपने अंगूठे पर अंगूठी के रूप में इसे पहननी है। केशव की बेपरवाह पिता अपने बेटे की शादी के लिए राजी हो जाती है। केशव के घर में अपनी पहली सुबह जया अनिच्छा से शौच करने के लिए एक खेत में जाती है, लेकिन शौच किए बिना वापस आ जाती है और केशव से उसकी शिकायत करती है। केशव द्वारा जया को शौचालय की आवश्यकता के बारे में अपनी जिद छोड़ने के लिए मनाने की बार बार की कोशिशों के बावजूद जया अड़ी रहती है। वो समस्या को हल करने के लिए कुछ अस्थायी समाजों की व्यवस्था करता है। पहले उसे एक पड़ोसी के घर ले जाता है जिसमें एक बिस्तर पर पड़ी हुई बुजुर्ग महिला के लिए एक पोर्टेबल शौचालय है और बाद में एक ट्रेन में जो गांव के रेल स्टेशन पर 7 मिनट का स्टॉप है। वास्तव में बिना उसके घर में शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक दिन वो शौचालय में बंद हो जाती है और ट्रेन स्टेशन से चली जाती है और परेशान और निराश जया केशव को छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस चली जाती है। गाँव में शौचालय बनाने के लिए अपनी सरपंच और ग्रामीणों को समझाने के असफल प्रयास के बाद केशव जया की मदद से संविधान नियामक प्राधिकरण के संपर्क करता है और अपने सामने वाले यार्ड में शौचालय का निर्माण शुरू करता है। जब निर्माण समाप्त हो जाता है तो केशव के पिता और सरपंच शौचालय को गिराने की व्यवस्था करते हैं, जबकि केशव अभी सो रहा है। लेकिन शौचालय के पूरी तरह से नष्ट होने से पहले केशव जाग जाता है और शौचालय को पूरी तरह से टूटने से बचा लेता है। जया अब तलाक के लिए प्राथमिक कारण के रूप में अपने पति के घर में शौचालय की अनुपलब्धि का हवाला देते हुए स्थानीय अदालत में तलाक के लिए फाइल करती है। अपनी अनूठी प्रकृति के कारण इस मामले को मीडिया का अधिक ध्यान मिलता है। केशव के गांव में शौचालय के निर्माण में तेजी लाने के लिए राजनेता और संविधान सरकारी विभाग हरकत में आ गए हैं, लेकिन केशव का पिता अपने घर में शौचालय नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उसके फैसले पर वो अड़े हुए हैं। जब तक कि एक दिन उसकी माँ शौच के लिए बाहर जाते समय दरवाजे पर गिर जाती है, उसके कूल्हे में चोट लग जाती है और जोर से वो रोती है कि वो संभावत चिल्लाकर घर तक नहीं जा सकती। शौच के लिए खेत और ये कि उसे केशव द्वारा सामने वाले अहाते में बनाए गए शौचालय का उपयोग करना चाहिए। बहुत अनिच्छा के बाद केशव के पिता मान जाते हैं और अपनी माँ को शौचालय की मदद करते हैं। तब उसे पता चलता है कि शौचालय वास्तव में एक घर की भीतर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होता है। केशव और जया ने तालाब के मामले की सुनवाई के दिन न्यायाधीश को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आधिकारिक नोटिस मिलता है जिसमें न्यायाधीश ने आग्रह किया जाता है कि वो तलाक को मंजूर ना करे क्योंकि अगले दिन से उनके गांव में शौचालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। युगल जोशी खुशी के एक साथ बाहर आता है। केशव के पिता जया से उसकी जिद के लिए माफी मांगते हैं। अंत क्रेडिट में ग्रामीणों को उनके गांव के बाहर मोबाइल शौचालय का उपयोग करने के लिए लाइन में खड़ा दिखाया गया है, जबकि पूरे गांव में शौचालय का निर्माण जारी है। प्रियंका भारतीय, जिसने अपने पति का घर इसी कारण से छोड़ा था, उसी की कहानी इस फिल्म की प्रेरणा है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पारो देवी, बिहार की सुनीता, यूपी की अर्चना, मध्य प्रदेश की अनीता जैसे उदाहरण भी सामने आई जिन्होंने ससुराल में खुले में शौच जाने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा निश्चित तौर पर एक ईमानदार प्रयास है। आज भी भारत में कई हिस्सों में महिलाओं को मुंह अंधेरे और खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है, इसका कोई तर्क नहीं दिया जाता है, मगर महिलाओं की अस्मिता, साफ सफाई, बीमारियों आदि के मुख्य कारण भी खुले में शौच करने से ही आता है और इसे मना गया है। इस मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए श्री नारायण सिंह सुबेदार के पत्र है। भारतीय समाज की इस बुराई को, जिसे बोलने में भी झिझक होती है, ऐसे मुद्दे पर फिल्म बनाने का प्रयास सराहा जाना चाहिए। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की शानदार परफॉर्मेंस के लिए देखी जा सकती है। फिल्म अनावश्यक रूप से काफी लंबी है, इंटरवल तक फिल्म वाखिल हो जाती है, दृश्यों का दोहराव इंटरवल की तरफ मन ज्यादा खींचता है। स्क्रीन प्ले पर मेहनत की जाना चाहिए था, सिनेमाटोग्राफी भी और बेहतर हो सकती थी। फिल्म दर्शनीय वो
और भी बन पाती। टॉयलेट के लिए दिन में जाती महिलाएं दृश्यों की जरूरत थी, पर इससे लॉजिक को गहरा आघात लगता है। अगर आप फिल्म को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अपने खरीद के रखा है तो आप इस फिल्म को ऑनलाइन ही फ्री में देख सकते हो।